हेलो गाइस, वेलकम टू वर्धन मित्तल यूट्यूब चैनल। गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एनथे 2023। एनथे फुल फॉर्म इज आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जामिनेशन। सो मैंने यहाँ पे आकाश का ब्राउचर खोल रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग में एनथे से रिलेटेड जितनी भी क्वेरी है आई थिंक इस वीडियो में आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। इसके बाद आपको एनथे से रिलेटेड आई थिंक कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे देखिए, एनथे के लिए लिख रखा है, इनकी जो टैगलाइन है वो है अप टू 100% स्कॉलरशिप, ऑल इंडिया रैंक एंड कैश अवार्ड्स। ठीक है, तो 100 स्टूडेंट टू विन 5 डेज ऑल एक्सपेंस पेड फॉर नेशनल साइंस एक्सपेडिशन। ठीक है, तो यहाँ ये आपको नेशनल साइंस एक्सपेडिशन जाएंगे अगर आप 100 स्टूडेंट मतलब टॉप 100 में आते हैं, और आपका 5 डेज का ये ट्रिप रहेगा और आपकी सारी एक्सपेंसेस आकाशी उठाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने अपना मतलब क्या बोलते हैं अपने बारे में बता रखा है, एंथे के बारे में बता रखा है। तो लेट वी स्किप दिस पार्ट, तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो बेसिकली व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ राइटिंग एंथे। तो यहाँ पे सबसे पहला बेनिफिट ये है, अप टू 100% स्कॉलरशिप इन आकाश इंस्टीट्यूट, और उसके कोर्सेज जितने भी होते हैं जेई नीट या फाउंडेशन के कोर्सेज, उसमें आपको 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है। और दूसरी चीज़ है, आपको कैश अवार्ड मिलेगा, लेकिन कैश अवार्ड इज फॉर ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो उसमें आपको क्राइटेरिया भी मैं दिखाऊंगा कैश अवार्ड का भी, उसमें आपको फॉल करना पड़ेगा तो आपको कैश अवार्ड मिलेगा। और इससे आपको अपनी ऑल इंडिया रैंक पता लगेगी, आपको पता लगेगा कि आप पूरे इंडिया में कहाँ स्टैंड कर रहे हो, तो वो भी आपको एंथे के थ्रू पता लगेगा। 100 स्टूडेंट टू विन 5 डेज ऑल एक्सपेंस पेड ट्रिप फॉर नेशनल साइंस एक्सपेडिशन। तो ये मैंने आपको बता ही दिया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं हाउ टू रजिस्टर फॉर एनथे 2023। तो बेसिकली रजिस्ट्रेशन बहुत आसान है, एक्चुअली आप सबको मैक्सिमम लोगों को आता भी होगा, जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन, लेकिन मैं एक बार फिर भी बता देता हूँ। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर जाना है। तो ये वेबसाइट बेसिकली अगर आप इसके डायरेक्ट एनथे लिख के सर्च करते हो गूगल पे तब भी आपको मिल जाएगी। तो एंटर मोबाइल नंबर और PSID टू रजिस्टर। और अगर बेसिकली PSID फॉर दो स्टूडेंट हु आर ऑलरेडी इन आकाश, और बेसिकली आपको मोबाइल नंबर से ही रजिस्टर करना है। फिल इन योर डिटेल लाइक नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, क्लास, स्ट्रीम, मोड ऑफ एग्जाम, सो ब्ला ब्ला ब्ला, ये आपको समझ आ रहा होगा। सेलेक्ट एग्जाम डेट एंड टाइम एंड सबमिट। तो यहाँ पे बेसिकली आप अपने एग्जाम के स्लॉट वो कर सकते हो, चूज कर सकते हो और उसी दिन लिख सकते हो। जैसे कि ये अक्टूबर के मंथ में होने वाला है एग्जाम, तो आप अक्टूबर में कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हो। उन्होंने कुछ डेट लाइक 22 से 28 मेंशन कर रखा होगा, तो आप उनके बीच में कोई भी चूज कर सकते हो। ये मैंने एक रैंडम बताया है, आगे चल के हम डेट भी देखेंगे। तो ऑफलाइन में आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, विजिट द नियरेस्ट ब्रांच, कलेक्ट एनथे रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यू कैन ऑल्सो डाउनलोड इट फ्रॉम enthe.akash.ac.in/downloads, फिल द फॉर्म क्लियरली एंड सबमिट एट द नियरेस्ट ब्रांच। ठीक है, तो यहाँ पे JC चौधरी का मैसेज है, आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे कंटेंट छोड़िए, कंटेंट हम आगे बढ़ते हैं। तो आकाश बायजूस एडवांटेज, तो यहाँ पे इनके टीचिंग मेथडोलॉजी, स्टडी मटेरियल, रेगुलर टेस्ट एंड असेसमेंट, डाउट क्लियरिंग सिस्टम, फीडबैक सिस्टम और ओमनी चैनल लर्निंग। ठीक है, तो आप ये सब पढ़ सकते हो बेसिकली। तो मैं वीडियो लंबी होगी इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ पार्ट को, तो आप बेसिकली इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। ठीक है, तो आकाश बायजूस एडवांटेजेस यहाँ पे लिख रखे हैं इन्होंने, मोर देन 300 ब्रांचेस दे हैव एंड देयर आर 93,500 आकाशियन क्वालिफाइड नीट एंड जेई इन 2022, और 5,000 एक्सपर्ट फैकल्टी एंड 34 ईयर्स ऑफ डिलीवरिंग आउटस्टैंडिंग रिजल्ट। ठीक है, तो ये इनके एडवांटेजेस लिख रखे हैं। तो अब बेसिकली हम बात करते हैं एनथे 2023 एग्जाम डिटेल के बारे में। तो आपका एग्जाम होगा बेसिकली इन अक्टूबर मंथ, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये आपको चलेगा 7th से 15th तक, और आप इसके बीच में या फिर इस 7th और 15th को कोई भी स्लॉट चूज कर सकते हो। और बेसिकली आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा 8th एंड 15th को, तो ये संडे को होगा आपका एग्जाम। बेसिकली 8th एंड 15th को आप ऑफलाइन एग्जाम आकाश की ब्रांच पे जाके लिख सकते हो। तो ये आपकी प्रेफरेंस रहेगी, आपको कौन सा अप्लाई करना है, आपको ऑफलाइन जाके लिखना है तो आप ऑफलाइन भी लिख सकते हो, और ऑनलाइन लिखना है तो आप ऑनलाइन भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 7 से लेके 12th पास स्टूडेंट के लिए। 12th पास स्टूडेंट बेसिकली अप्लाई फॉर ड्रॉपर्स बैच। और ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ गया ऑनलाइन एग्जाम टाइमिंग। सो ऑनलाइन एग्जाम टाइमिंग है 10 AM टू 9 PM। तो यहाँ पे बेसिकली 10 AM आपकी विंडो ओपन हो जाएगी, और आप 9 PM के बीच में कोई भी एक घंटे का स्लॉट लेके लिख सकते हैं एग्जाम। ठीक है, स्टूडेंट कैन गिव द एग्जाम एनी टाइम ड्यूरिंग द लॉगिन विंडो। ठीक है, तो ऑफलाइन एग्जाम टाइमिंग, तो ऑफलाइन एग्जाम की टाइमिंग होगी 10:30 to 11:30 AM इन मॉर्निंग। बेसिकली ये दो शिफ्ट में आप एग्जाम ले सकते हो, मॉर्निंग या फिर इवनिंग। तो इवनिंग का टाइमिंग होगा 4 to 5 PM। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी नियरेस्ट ब्रांच पे ही होगा एग्जाम कंडक्ट, तो आपको वहाँ पे जाके लिखना पड़ेगा। सेकेंड थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट इज एग्जाम फी।
बेसिकली ऑनलाइन मोड के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी फीस नहीं देनी है। तो बेसिकली आपका लिखने में जा क्या रहा है, आपको बेनिफिट ही होगा, लिख के देख लेना। और जनरली ये इसलिए कंडक्ट करते हैं कि ये जो टॉप स्टूडेंट्स है वो इनके इंस्टीट्यूट में पढ़े और फर्दर ये उसी के थ्रू अपनी फर्दर जो रैंक्स आए वो बेसिकली जो एंथे में टॉप करते हैं जनरली उन्हीं की आती है। तो इसलिए फॉर द सिलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट ये एग्जाम कंडक्ट करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, तो ऑफलाइन मोड में आपकी 100 रुपये फी है। ठीक है, बिकॉज उनको अपना अरेंजमेंट करना होगा, आपके लिए सीट अच्छे से करना होगा और सारी वो क्या बोलते हैं सिस्टम करना होगा, तो इसलिए ये 100 रुपीज फी ले रहे हैं। आई थिंक दैट इज ऑल्सो अफोर्डेबल, बट अगर आपको फीस मैटर कर रही है तो आप ऑनलाइन लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ओके। तो यहाँ पे इन एग्जाम इन इफ एग्जाम इज इन ऑफलाइन मोड 7 डेज बिफोर द एग्जाम, और अगर ऑनलाइन है तो 3 डेज बिफोर द एग्जाम आप कर सकते हैं। डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन, तो उन्होंने ये भी ऑलरेडी फाइनलाइज कर रखा है। तो 27 अक्टूबर 2023 फ्राइडे को आपका फॉर द क्लास 10th स्टडिंग स्टूडेंट आपका रिजल्ट आ जाएगा। 3rd नवंबर 2023 फ्राइडे को 7th से लेकर 9th क्लास के बच्चे का रिजल्ट आ जाएगा, और 8th नवंबर 2023 वेनेसडे को 11th 12th और 12th पास स्टूडेंट का रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड ऑन आवर वेबसाइट, इस वेबसाइट पे आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो मैं बेसिकली ये ब्राउजर भी आप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इसके गो थ्रू कर लेना एक बार। तो अब कैश अवार्ड के बारे में बात करते हैं। तो यू यू हैव टू जस्ट पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू इट। तो बेसिकली AIR 1 को मिलेगा 1 लाख रुपए, और अगर वो DLP कोर्स लेता है या फिर लॉन्ग डिस्टेंस डिजिटल कोर्स लेता है तो उसको 50,000 रुपये मिलेंगे। तो आप बेसिकली देख लेना, और बेसिकली यू हैव टू बी इन टॉप 100 टू गेट दिस स्कॉलरशिप। ठीक है, तो ये सबका है, आप पॉज करके वीडियो को देख लेना। एंड दिस इज योर सिलेबस, एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। बेसिकली यू विल बी हैविंग 40 क्वेश्चंस एंड टोटल मार्क्स विल बी 90, एंड द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी 1 आवर, एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यू कैन डू एज मेनी फ्लू यू वॉन्ट। ओके, तो यहाँ पे फॉर क्लास 7th का सिलेबस है यहाँ पे। तो फॉर क्लास 7th 8th एंड 9th एंड आई थिंक 10th ऑल्सो, यस 10th ऑल्सो, यू विल बी हैविंग एन एक्स्ट्रा सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड मेंटल एबिलिटी अपार्ट फ्रॉम योर रेगुलर करिकुलम। सो यहाँ पे मेंटल एबिलिटी थोड़ा जो अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है तो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। तो फॉर दैट आई विल रिकमेंड यू टू वॉच माई मेंटल एबिलिटी प्ले लिस्ट। आई विल गिव द लिंक इन द आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन एंड ऑल्सो एंड स्क्रीन। तो आप वो एक बार देख लेना, आपको बहुत बेनिफिट होगा। हर साल बच्चे देखते हैं और हमेशा मुझे पॉजिटिव फीडबैक ही मिले हैं अभी तक। तो आप एक बार जरूर गो थ्रू इस पे करना, मैंने काफ़ी सारी ट्रिक बता रखी है मेंटल एबिलिटी पे, तो आपको जरूर हेल्प करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर क्लास 7th 8th 9th एंड 10th का स्टूडेंट के लिए सिलेबस है। आप वीडियो को पॉज करके एक बार देख लेना, और नीचे एग्जाम एग्जाम के हर पर सब्जेक्ट कितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी लिख रखे हैं। तो बाय डोंट वेस्टिंग एनी टाइम, आई विल स्क्रॉल इट डाउन। तो आप बेसिकली ब्राउजर भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार जा वीडियो के बाद एक बार देख लेना। ठीक है, गाइडलाइंस फॉर नेशनल साइंस एक्सपेडिशन, तो बेसिकली दीज आर फॉर द स्टूडेंट हु विल वॉन दिस। सो यहाँ पे बहुत कम बच्चे फॉल करने वाले हैं, क्योंकि 100 ही बच्चे जैसे कि बोले जा रहे हैं। तो आप एक बार पढ़ लेना अगर आपका इंटरेस्ट हो तो इसमें। तो ठीक है, तो यहाँ पे एंथे के टेस्ट सेंटर लिख रखे हैं। तो इफ यू वॉन्ट आई विल नाउ यू कैन टेक ए स्क्रीन शॉट और समथिंग, आई डोंट थिंक इट विल बी विजिबल। तो मैं यहाँ पे इसको पहले बड़ा ही कर लेता हूँ, तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर लेता हूँ, आप एक बार देख लेना अपनी सिटी में जहाँ पे भी आए पॉज कर लेना। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे हो गया बेसिकली। सो दिस इज दी प्रीवियस ईयर नीट UG रिजल्ट। तो यहाँ पे देखिए इनकी AIR 2 आई है 715 मार्क्स आउट ऑफ 720, विच इज कंसिडर्ड एज ए वेरी गुड रिजल्ट। तो अच्छा इंस्टीट्यूट है, बच्चे प्रोड्यूस कर रहा है, अच्छी रैंक प्रोड्यूस कर रहा है हर साल। तो ये सब आप कंसिडर कर सकते हो बिफोर टेकिंग दी एडमिशन। तो यहाँ पे कनिष्का काबरा, इनकी ऑल इंडिया रैंक थी फीमेल में, और CRL थी 16 AIR। तो यहाँ पे आई थिंक दिस इज फॉर 2023। तो यहाँ पे ध्रुव संजय ने AIR 8 स्कोर की इन JEE मेन्स परसेंटाइल एंड JEE मेन्स सॉरी एंड ही इज हैविंग 100 परसेंटाइल ओवरऑल। ओके, दैट इज वेरी गुड। और यहाँ पे ओलम्पियाड्स के बारे में भी दे रखा है, NTSC बेसिकली अब तो शायद नहीं होता है, NTSC बंद हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे IOQM क्वालिफायर में भी बच्चों का नाम है काफी, तो आप इन सबको कंसिडर कर सकते हो, अगर आप ओलम्पियाड की तैयारी करना चाहो तो। आगे बढ़ते हैं, तो ये रिजल्ट है बेसिकली, आप सब देख लेना इसको। टर्म्स एंड कंडीशन, हाँ, तो यहाँ पे इन्होंने थ्रू मैप भी लिख रखा है कि इनके आकाश के बायजूस के नेशनल नेशन वाइड प्रेजेंस कहाँ कहाँ पे है, ब्रांचेस लिख रखी है और न्यू ब्रांचेस कहाँ कहाँ खुली है ये भी इन्होंने लिख रखा है।
तो आप यहाँ पे देख के और एडमिशन मतलब आप अपने नियरेस्ट ब्रांच कर सकते हैं। और बेसिकली अगर आपको जानना है कि कौन सी ब्रांच, लाइक ब्रांच टू ब्रांच आकाश बहुत डिफर करता है, कुछ ब्रांचेस अच्छी होती हैं कुछ ब्रांचेस खराब होती हैं, तो आप अपने सीनियर से बात कीजिए, आपके आसपास जितनी भी ब्रांच में बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे जाके मिलिए और पता लगाइए कि वो वहाँ पे कैसा है हिसाब, तो उससे आपको बहुत कुछ आइडिया लगेगा बिफोर टेकिंग द एडमिशन। बिकॉज फीस आई थिंक बहुत ज़्यादा होती है आकाश की, 1 लाख के अराउंड होती है, तो आपको सोच समझ के एडमिशन लेना चाहिए। और यहाँ पे बस इतना ही है, और मैं आपको प्रिपरेशन के लिए भी थोड़ी टिप देना चाहूँगा। प्रिपरेशन के लिए बेसिकली आपको वेरी क्विक होना चाहिए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उसको छोड़ के आगे बढ़िए, या फिर तुक्का मार दीजिए और मार्क फॉर रिव्यू कर लीजिए और बाद में उसको अटेम्प्ट कर लेना। और मतलब 1 आवर ही है, तो आई थिंक टाइम अगर आप एक क्वेश्चन पर टक के रह गए तो आपका बाकी के सब्जेक्ट्स सफर करेंगे, इसलिए आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आना चाहिए। और फॉर दी ऑनलाइन स्टूडेंट आई वोंट रिकमेंड यू टू चीट इन द एग्जामिनेशन, बिकॉज क्योंकि अगर आप चीटिंग करेंगे तो वही हो जाएगा, आई थिंक फॉर द लास्ट यू वॉन्ट बी हैविंग इनफ टाइम टू कम्प्लीट द पेपर। क्योंकि अगर मतलब आप ऑब्वियसली गूगल पे सर्च करोगे या फिर जो भी करोगे, तो आप एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर दोगे, और उसकी वजह से आप इन दी 1 आवर ड्यूरेशन आप वो एग्जाम कंप्लीट नहीं कर पाओगे। और एक बात और ध्यान रखना, नॉन नेगेटिव मार्किंग है, तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना मत भूलना, ठीक है? 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कंपलसरी है आपके लिए, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर दिया है। आई थिंक बहुत डिटेल वीडियो बनाई है मैंने, ऑलमोस्ट 11 मिनट 30 सेकंड की अभी वीडियो हो चुकी है। तो फॉर दिस आई विल क्लोज दिस वीडियो, एंड वेरी नाइस टू इंटरेक्ट विद यू गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।